वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा क्लास टेंथ का लाइफ प्रोसेस पार्ट चल रहा है। अभी तक हम तीन कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन कर चुके थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है लाइफ के अंदर, वो होती है हमारी सर्कुलेशन की, कि भाई रेस्पिरेशन में लंग्स के थ्रू, सॉरी, ऑक्सीजन एंटर करता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू वो क्या कहाँ पर जाता है, हार्ट में। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ये फोर चैम्बर्ड में होता है, ये फोर चैम्बर्ड में होता है। आज हम डायरेक्ट वीडियो अपलोड, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कईयों के कमेंट आ चुके हैं, इसके लिए डायरेक्ट रिकॉर्ड यूट्यूब से कर रहे हैं। तो सर्कुलेशन, ये बेसिक नीड्स हैं, आपको पता है लाइफ प्रोसेस इन प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकती, जिसका एक पार्ट सर्कुलेशन भी है। ये फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद में हम लास्ट एक्सक्रेशन करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कुलेशन में होता क्या है कि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी, हार्ट पे। अब मैंने पिछले उसमें भी बताया था रेस्पिरेशन में, कि हार्ट में जाने के बाद में हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, पंप करेगा, पंप बीट। तो उसमें क्या करेगा, ये आरबीसी के साथ में जो हीमोग्लोबिन मैंने बताया था एचबीएम, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होगी। ऑक्सीजन डिजोल्व होने के बाद में हर बॉडी पार्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है, कहीं पर भी, चाहे वो एक उंगली का लास्ट पार्ट ही क्यों ना हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड होती है उतनी वो चली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जाने के बाद में ये क्या करेंगे, CO2 को वहाँ से लेके आएंगे, बेसिकली CO2 कहते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि CO2 के साथ में और गैसेस भी हमारी बॉडी में होती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का अब स्टार्ट करते हैं, कि बेसिकली ये तीन टाइप में सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट या थ्री टाइप कह सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज पंपिंग ऑर्गन, हार्ट आप लिख सकते हैं, पंपिंग ऑर्गन। सेकंड वन इज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन लिख देता हूं एक बार, आर्टरीज और वीन्स, तो आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है CO2 के साथ में अदर गैसेस को शरीर से बाहर निकालना, बॉडी से। थर्ड सर्कुलेटरी मीडियम लिम्फ, सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड एंड लिम्फ। तो अब करते हैं हम स्टार्ट अपना चैप्टर। कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू, जैसे बेसिकली मैं बनाकर आप लोगों को समझाता हूँ, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का फायदा ये होगा कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार बना देता हूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप ये हैंड टू हैंड लिखते रहें, फ्रॉम बॉडी ये आएगा वेना कावा के थ्रू। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप डायग्राम को साथ में रखें, ताकि जो भी प्रॉब्लम होगी क्लियर हो जाएगी, नहीं होती तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए मैंने, रिलैक्स्ड राइट एट्रियम से फिर
राइट एट्रियम में जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है क्लोज होना, रिलैक्स्ड का मतलब बिल्कुल खुल जाना, जैसे लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर मैंने बताया था। राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, अब यही आरवी लिख रहा हूं, राइट वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये लंग्स के से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लंग्स से नोस्ट्रिल, जो नेसल पैसेज होता है, जैसे ऑक्सीजन आती है वैसे ही ये बाहर चली जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाएगा LA लेफ्ट आट्रियम में, रिलैक्स्ड हो जाएगा। फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट आट्रियम में रिलैक्स्ड, लेफ्ट आट्रियम में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये रिलैक्स्ड हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वही चीज बॉडी पार्ट्स वाया ओर्टा। तो ये बार फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये फोर चैम्बर्ड हमारा हार्ट है, सिंपल वे में बना है, कि यहाँ पे ये चीज समझनी है आप लोगों को। अब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, मान लो अगर डायरेक्ट पाथ बनेगा, डायरेक्ट अगर कोई चीज हम किसी में जाने देंगे तो ब्लॉक होने का खतरा होता है, इसलिए धीरे धीरे करके अगर वो चीज़ जाएगी, क्योंकि गैस है, गैस एकदम से जाएगी तो एकदम से उसे कैपेबल होना मुश्किल है, इसलिए ये रिलैक्स्ड भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। तो बात करते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, करना चाहो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, नहीं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, वेंस के थ्रू, विंस के थ्रू वो जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से वो जाएगा राइट आट्रियम में, राइट आट्रियम से राइट आट्रियम क्या हो जाएगी, रिलैक्स बिल्कुल, राइट आट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्लोज होगी। उसके बाद में ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, रिलैक्स्ड हो जाएगी, फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो जाएगा लंग्स में, लंग्स से वो नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नोस्ट्रिल्स के जरिए वो बाहर निकल जाएगी। वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट आट्रियम में, लेफ्ट आट्रियम से जो होता है वो रिलैक्स्ड में होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगी, फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो ओर्टा के रास्ते, वाया का मतलब होता है रास्ता, पाथ, वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको ये फ्लो चार्ट। आप डायग्राम जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है डायग्राम। अगर डायग्राम मैट्रिक व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके बाद में मैं पावर स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट की स्लाइड बना करके तैयार करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ब्लड, ब्लड पिछले भी वीडियो में करवाया था मैंने, ब्लड बेसिकली तीन टाइप का होता है, प्लेटलेट्स, RBC, WBC। अब प्लेटलेट्स नॉर्मली आप कभी भी डिजीज सफरिंग हो जाते हो, इल हो जाते हो, तो आप की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो ये जो इसका काम होता है, ये हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब क्या होता है भाई, मान लो अगर कोई चोट लग जाती है आपको, ठीक है, एक तो जम जाए, एक तो जमने नहीं दे, दूसरी बात ये होती है हीमोफीलिया, अगर पढ़ा भी होता हो आप लोगों ने,
कि एक हल्का सा कट में भी क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है वो नॉर्मली फ्लो करने लग जाता है। वैसे ये ओनली मेल्स के अंदर होता है, ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, ये आप 12th क्लास में आएगा। ये तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन अभी बताया था मैंने, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले जाएगी, ठीक है, फिर वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगी। HBM हीमोग्लोबिन आरबीसी का मेन पार्ट होता है, इसमें जो आयन मिलता है इम्पोर्टेंट है आयरन, आयरन कौन सा एलिमेंट मिलता है ब्लड में, आयरन। तो ये ध्यान में रखना कि आयरन ब्लड में मिलता है हीमोग्लोबिन में, जिसके कारण ये रेड कलर की होती है, WBC नॉर्मली जो भी डिजीज होती हैं उनको, जैसे कोई भी माइक्रोब्स लगा सकते हैं, माइक्रोब्स पैरासाइट बताए थे मैंने आपने, कि अभी फ़िलहाल कोरोना का चल रहा है, अगर कोरोना के अंदर अगर हमारी WBC अगर हमारे कंट्रोल में है, यानी जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी रिलीज करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी, तो वो क्या करेगी, कोरोना को ख़त्म कर देगी। ये कैसे होता है भाई, अगर हम वेल बैलेंस्ड डाइट खाएंगे, वेल नरिशमेंट, वेल न्यूट्रिशन, तो ये नॉर्मली किल कर देगी कोई भी हो, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया, एनी पैथोजन। पैथोजन हम उसे कहते हैं दोज माइक्रोब्स विच कैन कॉजिंग डिजीज। तो अब लिम्फ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। लिम्फ तो जो लिम्फ होती है वो येलोइश फ्लूड की होती है, लिम्फ जो होती है वो येलोइश फ्लूड की होती है, जो कि ब्लड कैपिलरी से ही निकलती है और इंटरसेलुलर स्पेस बनाती है। एक बार मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, येलोइश फ्लूड होता है इसका एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज हो गया ठीक है, इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। अब दूसरी इसमें कह रहा है कि जो येलोइश फ्लूड होता है वो एस्केप यानी निकलता है ब्लड कैपिलरीज से, किसके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस का मतलब ये है, मान लो ये कोई दो सेल है, ये दो सेल है हमारे पास में, इनके बीच का जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, इनका बीच का जो स्पेस है ये दो सेल हैं हमारे पास में, इनका जो बीच का स्पेस है वो इंटरसेलुलर कहलाएगा, ठीक है। अब ये लेस प्रोटीन कंटेन करती है, प्रोटीन जरूरी होता है, प्रोटीन नॉर्मली अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, मैंने बता चुका हूँ। अब जो लिम्फ है वो फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट, टिश्यू टू हार्ट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जम्स। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, प्रोटीन्स में क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। अब जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉर्मली मान लो कोई यूनिसेलुलर माइक्रोब है वो हमें शरीर को लॉस करवा रहा है, कोई भी डिजीज कॉजिंग कर रहा है, तो उसमें ये अपने प्रोटीन को रिलीज करके जो उसके प्रोटीन होते हैं उसकी कवरिंग कर लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके किल कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। ब्लड वेसल्स, अब ये इम्पोर्टेंट आ चुका है, वैसे ये पूरा इम्पोर्टेंट है चैप्टर, आर्टरीज वेंस,
तो अभी मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब डायग्रामेटिक व्यू में आप लोग ये देखते हो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रेड दिखा रखा है और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ब्लू दिखा रखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कई बच्चे कहते हैं, कईयों से सुना भी है कि ब्लू कलर होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। भाई ब्लू कलर नहीं होता, वो क्या होता है, वो डार्क रेड होता है। वो क्या होता है, डार्क रेड। अब हमारी बुक्स के अंदर ये रेड और डार्क रेड पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण ब्लू कलर शो कर रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि डार्क रेड कलर होता है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। और हमेशा ये ध्यान रखना कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, डिफरेंट टाइप की गैसेस भी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जो एंट्री होती है वो सिर्फ ऑक्सीजन की होती है। तो अभी बता दिया मैंने, इसमें दो ही पॉइंट कर लेते हैं, थिक होती है ये और इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है, जैसे रबर है, रबर को हम खींचते हैं, ये एक स्मॉल रबर है, इसको हमने खींचा, तो खींचने के बाद में जैसे हम छोड़ेंगे तो ये अपनी इस पोजीशन को ही गेट कर लेगा, अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो ये होती है बात इलास्टिक की, कि कितना खींच के वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये आर्टरीज की एक बढ़िया बात है। दूसरी बात ये है कि ये वेसल्स ट्रांस, जो आर्टरीज होती हैं, ये जो इसकी वेसल्स होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। वीन्स की जो होती हैं वो कलेक्टिंग का काम करती हैं। क्या? कलेक्टिंग का काम करती है। और जो वीन्स होती हैं वो थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गएंगे, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, वीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। दूसरी बात, ये आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज वेसल्स के थ्रू या जो वेसल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ये कलेक्टिंग का काम करती हैं, ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ये थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। तो एक बार इसी में मैं दोबारा से आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम, फ्लोएम, अब एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये बता दिया था न्यूट्रिशन में भी, लेकिन कई बच्चों के ये प्रॉब्लम है। ये कोई एक लीव ले रहे हैं हम किसी प्लांट की, ये कोई लीव ले रहे हैं हम किसी प्लांट की, अब क्या होता है कि जो ये लीव्स हैं, ऐसे तो होगा नहीं, सनलाइट है, मान लो ये सन है कोई, इसकी रे पड़ती है इस लीव पे, एक पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ही सनलाइट, व्हेन द सन इज राइजिंग, द फर्स्ट रे कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, उसके बाद में क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस वो एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होते हैं, एंजाइम्स आर एक्टिव ड्यूरिंग सनराइज, उसी दौरान में ये एक्टिव हो जाते हैं। अब एक्टिव होने के बाद में ये सरफेस है, ये रूट है, दीज आर दी रूट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि जो जाइलम होता है वो रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो जाइलम होता है वो रूट्स में प्रेजेंट होता है, वो वाटर को अपटेक करवाता है, ऊपर पहुँचाता है लीव्स में। कहाँ पहुँचाता है, लीव्स में। ये ध्यान में आया कि जाइलम जो है वो रूट्स के थ्रू वाटर पहुँचाता है लीव्स में। अब लीव्स में वाटर तो पहुँच गया, अब बात यह है कि प्लांट को भी एलिमेंट फॉर्म में
चाहिए। तो वाटर में आप लोगों को पता है डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं जो कि नेसेसरी बेसिक नीड्स होते हैं। 23 टाइप के एलिमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट को मैच्योर होने में। तो मिनरल्स वाटर के थ्रू अपटेक होंगे, लीव्स में जाएंगे। अब लीव्स में जाने के बाद में लीव्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू? फ्लोएम। अब इसके बारे में मैंने बताया था कि तीन टाइप के काम करता है। एक तो स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है, क्योंकि पूरे दिन सनलाइट रहती नहीं, रात को प्लांट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए प्रोसेस के लिए, तो वो स्टोर कर लेता है फूड को, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे ही गिरेंगी ट्रांसपोर्ट होगा, सनलाइट गिरेगी जब, पानी नीचे से ऊपर आएगा जाइलम के थ्रू, फ्लोएम क्या काम करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा और फॉर्मेशन ऑफ फूड का काम करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि फ्लोएम जो है वो तीन टाइप के बेसिक वर्क करता है, कि जो भी स्टोरेज खाने को स्टोर करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और फॉर्मेशन करता है। अब इसी पत्ती को लेकर के मैं एक आपको और इजीली वे में बताना चाहता हूँ। लीव्स आपने बेसिकली इस टाइप के देखे होंगे नॉर्मली, इनके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरीके से टंग के अंदर हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे सलीवा आता है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कि इन पोर्स के थ्रू सनलाइट आएगी। ये मान लो कोई एक पोर है, छिद्र जिसे हम छेद भी कहते हैं, पोर प्रेजेंट है। अब ये पोर जो है, ये सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो प्लांट होते हैं ड्यूरिंग सनराइज जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जब, तो इस पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। उसके बाद में क्या होगा, ये वाटर के साथ में रिएक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ली, एक्स मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही करेंगे प्लस में एक्स मोल ऑफ वाटर, क्योंकि नीचे से वाटर जा रहा है, इक्वल्स टू स्टार्च कह लें हम, ग्लूकोज कह लें, फूड मटेरियल कह लें। ये तो हो गए रिएक्टेंट, ये क्या हो गए, रिएक्टेंट। क्योंकि हर प्लांट अपने अलग तरीके से स्टोमेटा के थ्रू वाटर सेक्रेट करता है और फॉर्मेशन ऑफ फूड भी अलग अलग होती है। फॉर्मेशन ऑफ फूड होगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि कोई प्लांट ज़्यादा स्टोर कर ले, फॉर्म ज़्यादा कर ले, जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी बेसिक नीड्स भी बढ़ जाते हैं। ये बनाएगा C6H12O6 प्लस में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, प्लस में एक्सेस जो वाटर रहेगा, एक्स मोल ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकाल देगा, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकाल देगा। जैसे आप अर्ली इन मॉर्निंग सुबह उठ करके, आप अब नॉर्मली लॉकडाउन है तो आप जा सकते हैं किसी ग्रास में जा कर के देखना, सुबह सुबह आपको टाइनी ड्रॉप्स वाटर की मिलेंगी। अब जो ये गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का निकलना प्लांट के थ्रू, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में आती है। तो स्टोमेटा के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, ये तो हो गई रिएक्शन, कि ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टोमेटा, आज फिर से रिपीट कर देते हैं, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो पोर्स होते हैं वो जो पत्तियों के सरफेस में मिलते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं, ये पहला डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
और टू दूसरा जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट का अमाउंट ऑफ वाटर गेट एक्सक्रेट आउट वो निकाल देता है। क्यों निकालता है भाई? अब अगर पानी स्टोर रहेगा, एक्सेस अमाउंट का पानी स्टोर रहेगा, तो जो प्लांट होते हैं वो रोट हो सकते हैं, वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण प्लांट क्या करता है, अपने एक्सेस अमाउंट को वाटर को निकाल देता है। जैसे हम कुछ भी वर्कआउट करते हैं तो हमारे स्वेटनिंग आती है, तो स्वेटनिंग अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण हम किसी भी डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको मेरे नंबर, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ये लाइव क्लास चल रही है। व्हाट्सएप नंबर ये है 890-199-65-54। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। एक बात और है, अगर आपको ये बढ़िया लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को यूज़ मिल सके इस चीज़ का। ये बेसिकली लाइव क्लास है, लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और स्टे सेफ एट योर होम्स। थैंक यू।